हेलो स्टूडेंट्स, अंकुश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुश सैनी और हम पढ़ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम एक्सरसाइज 1.5 कर रहे थे। आज हम एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको कुछ नंबर दिए जाएंगे, उनका डिनोमिनेटर का हमको रैशनलाइज करना है। तो चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देख क्या है, 1/√7। क्वेश्चन नंबर 1 है 1/√7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमको इसका रैशनलाइज करना है। तो चलिए देखिए क्या, अब इसका रैशनलाइज करेंगे तो हमको, हम क्या करेंगे, इधर √7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे देखिए, वी नीड टू मल्टीप्लाई, वी नीड टू मल्टीप्लाई द न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ 1/√7 बाई √7। ठीक है स्टूडेंट्स, हम √7 में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, √7 से, 1/√7 में मल्टीप्लाई करेंगे, √7 से। तो यहां देखिए ये क्या है, 1/√7 मल्टीप्लाई √7, यही रैशनलाइज होता है। क्या मैं, हम पहले भी कर चुके इस टाइप के क्वेश्चन, 1/√7 है इसकी, इसमें जब हम रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर्स का रैशनलाइज करना है यहाँ पर कहा गया है। तो डिनोमिनेटर्स का रैशनलाइज करेंगे जब हम, तो इसमें डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, √7 तो ये डिनोमिनेटर √7 है, √7 की मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में करेंगे और √7 की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करेंगे, ये रैशनलाइज होता। अब ये आएगा √7, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके √7 बनेगा। अब ये √7 मल्टीप्लाई √7, तो ये आएगा √7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7। तो इसका आंसर आएगा √7/7। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए हमसे कहा गया था रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। कारण क्वेश्चन है 1/√7, तो हमें पता है कि हम रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर्स का, तो हम डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करते हैं जो हमको नंबर देना होता उसके न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में। तो वी नीड टू मल्टीप्लाई द न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ 1/√7 बाई √7, ये कहा गया है। तो 1/√7 में मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर की, √7, तो √7 की 1 में मल्टीप्लाई कर √7, और ये √7, ये √7 की मल्टीप्लाई √7 से करेंगे तो √ हट जाएगा, ये बनेगा 7। तो इसका आंसर है √7/7। तो डिनोमिनेटर्स का रैशनलाइज करना, तो आप देख रहे हो डिनोमिनेटर्स का रैशनलाइज करके क्या गया, 7 आ गया। ठीक है, रैशनलाइज हो गया, इसका रैशनल बन गया ये। ठीक है चलिए, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, √7 - √6। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये है, 1/√7 - √6। तो चलिए देखें, वी नीड टू मल्टीप्लाई द न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ 1/√7 - √6। ठीक है स्टूडेंट्स, 1/√7 - √6 बाई क्या आएगा, √7 + √6, डिनोमिनेटर का जब रैशनलाइज करते हैं तो इसमें देखिए यहाँ पर आपको साइन नहीं था कुछ भी, प्लस या माइनस का, तो ऐसे ही डिनोमिनेटर का रैशनलाइज कर दिया, तो उसका मल्टीप्लीकेशन कर दिया डिनोमिनेटर्स में और न्यूमिनेटर्स में। लेकिन यह देखिए आप, इसमें √7 - √6 है, तो यहाँ क्या होगा, जब हम इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर देखिए प्लस हो जाएगा। अब जैसे ये देखिए, 1/√7
माइनस अंडर रूट सिक्स है। तो जब हम इसका डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट सेवन प्लस अंडर रूट सिक्स, अंडर रूट सेवन प्लस अंडर रूट सिक्स, ये ऐसे बनेगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, वन से मल्टीप्लाई करने पर ऐसे ही आएगा, और ये आएगा अंडर रूट सेवन माइनस अंडर रूट सिक्स और अंडर रूट सेवन प्लस अंडर रूट सिक्स, ये ऐसा आएगा। अंडर रूट सेवन प्लस अंडर रूट सिक्स तो ऐसे आएगा, न्यूमिरेटर तो वन से मल्टीप्लाई किया। अब इसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये अंडर रूट सेवन माइनस अंडर रूट सिक्स, अंडर रूट सेवन प्लस अंडर रूट सिक्स। अब इसका क्या होगा, देखिए आप ये a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, कुछ कुछ याद आ रहा होगा। तो उसमें क्या होता है, देखिए नंबर तो x है, यहाँ पर अंडर रूट सेवन है, अंडर रूट सिक्स है, अंडर रूट सेवन है, अंडर रूट सिक्स है, लेकिन यहाँ माइनस है प्लस है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट सेवन प्लस अंडर रूट सिक्स, तो ऐसे आएगा, और ये हो जाएगा अंडर रूट सेवन का स्क्वायर माइनस अंडर रूट सिक्स का स्क्वायर, अंडर रूट सेवन का स्क्वायर माइनस अंडर रूट सिक्स स्क्वायर। तो आप इसको देखिए, अंडर रूट सेवन प्लस अंडर रूट सिक्स तो ऐसे आएगा, अंडर रूट सेवन प्लस अंडर रूट सिक्स ऐसे आएगा, अंडर रूट सेवन का मल्टीप्लाई जब स्क्वायर करोगे आप तो क्या बनेगा, सेवन, और अंडर रूट सिक्स का स्क्वायर करोगे तो ये क्या बनेगा, सिक्स। अंडर रूट वाले नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वहाँ से अंडर रूट हटता है, वो और कुछ नहीं होता। तो अंडर रूट सेवन का स्क्वायर किया, अंडर रूट सेवन बना, वो सॉरी सेवन बना, माइनस अंडर रूट सिक्स का स्क्वायर किया तो सिक्स बना। तो ये आई वैल्यू आपकी अंडर रूट सेवन प्लस अंडर रूट सिक्स अपॉन सेवन माइनस सिक्स अपॉन वन। आप इसको मन लिखिए या आप ऐसे ही लिख दीजिए इसको, ठीक है, आप ऐसे लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए, वन डिनोमिनेटर में लिखिए या नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये समझ में आया, देखिए एक बार और समझ लीजिए, वन अपॉन अंडर रूट सेवन माइनस अंडर रूट सिक्स ये नंबर था, इसका हमको डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करना है। तो क्या, देखिए जब इसका रैशनलाइज करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, डिनोमिनेटर से, क्योंकि डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करना है। लेकिन इसमें देख रहे हो आप अंडर रूट सेवन माइनस अंडर रूट सिक्स है, तो यहाँ क्या होता है कि जब यहाँ पर साइन आ जाता है तो यहाँ पर जिस हम जब हम रैशनलाइज करते हैं उसका मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो उसका जो साइन चेंज होता है तो प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा वहाँ जा करके। तो देखिए वी नीड टू मल्टीप्लाई दैट न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ वन अपॉन अंडर रूट सेवन माइनस अंडर रूट सिक्स बाय अंडर रूट सेवन प्लस अंडर रूट सिक्स। आप देख रहे हो प्लस हो गया, तो वन अपॉन अंडर रूट सेवन माइनस अंडर रूट सिक्स मल्टीप्लाई किससे क्या, अंडर रूट सेवन प्लस अंडर रूट सिक्स है, माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया, बाकी कुछ नहीं हुआ, ऊपर नीचे गुणा कर दी, ये आया इसके वन में मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट सेवन माइनस अंडर रूट सिक्स ब्रैकेट और अंडर रूट सेवन प्लस अंडर रूट सिक्स ब्रैकेट। अब जब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर्मूला हमने पढ़ा है पहले भी, मैंने आपसे बताया था, उनको याद कर लीजिए एक बार। तो जब आप इनको देखेंगे तो अंडर रूट सेवन का स्क्वायर बनेगा माइनस अंडर रूट सिक्स का स्क्वायर बनेगा, ऊपर वाला ऐसे ही चलता रहेगा, न्यूमिरेटर हमारा न्यूमिरेटर ऐसे ही चलेगा। ये अंडर रूट सेवन का स्क्वायर क्या, सेवन आया, अंडर रूट सिक्स का स्क्वायर क्या, सिक्स आया, तो अंडर रूट सेवन प्लस अंडर रूट सिक्स, सेवन में से सिक्स गया वन, तो अंडर रूट सेवन प्लस अंडर रूट सिक्स, क्या आंसर आया इसका, ये तो समझ आया स्टूडेंट्स ये, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फाइव का थर्ड, देख क्वेश्चन नंबर फाइव का थर्ड में क्या नंबर दिया गया है, वन अपॉन अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट टू, हम इसके डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करना है। तो चलिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइज इसके डिनोमिनेटर का करेंगे, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर, अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट टू, ये है। अब इसमें हमको डिनोमिनेटर का इसका रैशनलाइज करना है, तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट टू, साइन चेंज हो जाएगा ना, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहां देखिए, यहां लिखेंगे वी नीड टू मल्टीप्लाई, वी नीड टू मल्टीप्लाई द न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ वन अपॉन अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट टू बाई अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट टू, अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट टू।
मैंने क्या कहा था कि जब डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करते हैं तो उसकी मल्टीप्लाई हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करते हैं, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यह आएगा 1/√5 + √2 मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/√5 - √2 से, इसी से करते हैं ना, बस साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर 1/√5 + √2 है, या 1/√5 - √2, और ये 1/√5 - √2। अब इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, ये 1/√5 - √2 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखिए 1/√5 तो ये आएगा 1/√5 का स्क्वायर माइनस 1/√2 स्क्वायर, 1/√5 स्क्वायर माइनस 1/√2 स्क्वायर आएगा। तो ये तो ऐसे न्यूमिनेटर ऐसे आएगा, हमारा न्यूमिनेटर आएगा 1/√5 - √2 और ये 1/√5 का स्क्वायर करेंगे कितना बनेगा, 5, अंडर रूट हट जाएगा, ये आएगा 5 माइनस 1/√2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 2, ये 2 आएगा। ठीक, कितना आएगा 1/√5 - √2, 5 में से 2 गया 3, तो इसका रैशनलाइज करने के बाद क्या आएगा, ये आएगा। देखिए कैसे 1/√5 + √2 था, साफ साफ हमसे क्वेश्चन 5 में कहा गया कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोविंग्स, हमें डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, हम जब इसका डिनोमिनेटर करेंगे तो 1/√5 - √2 / 1/√5 - √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वी नीड टू मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ 1/√5 + √2 / 1/√5 - √2। बस ये चीज़ याद रखनी है आपको, इसमें 1/√5 + √2 इसमें मल्टीप्लाई देखिए हमने किया, बस क्या क्या कि साइन चेंज कर दिया, बाकी वही 1/√5 - √2 / 1/√5 - √2 मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसकी मल्टीप्लाई 1 में करेंगे आएगा 1/√5 - √2 अपॉन, और ये 1/√5 + √2 / 1/√5 - √2, हम ऐसा फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। इसका बनता है देखिए, जब आपको यहाँ पर सेम नंबर दिखाई देंगे, यहाँ भी 1/√5 है, यहाँ भी 1/√5 है, और यहाँ 1/√2 है, यहाँ भी 1/√2 है, यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि 1/√5 पहले वाले नंबर का फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकंड नंबर का स्क्वायर, तो फर्स्ट 1/√5 और सेकंड 1/√2, तो 1/√5 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर, 1/√5 - 1/√2 ऐसे आएगा न्यूमिनेटर, लेकिन 1/√5 का स्क्वायर करोगे आप कितना बनेगा, 5, 1/√5 वाले नंबर का जब स्क्वायर करते हैं हम, तो क्या होता है कि खाली स्क्वायर हटता है बस, और कुछ नहीं होता, तो स्क्वायर हट गया, 1/√2 का स्क्वायर किया 2 आया, 1/√5 - 1/√2 / 5 में से 2 गए 3। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड भी हो गया, अब करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का 4। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का 4 क्या कहा गया, देखिए 1/√7 - √2 क्या करना, डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करना। तो क्या करेंगे, जब हम इसमें मल्टीप्लाई करना है तो 1/√7 + √2 / 1/√7 + √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए देखिए, तो वी नीड टू मल्टीप्लाई, वी नीड टू मल्टीप्लाई द न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ 1/√7 - 2 / क्या आएगा, 1/√7 + 1/√2। कुछ नहीं, डिनोमिनेटर का सिर्फ साइन चेंज होता है, जब हमसे डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करने के लिए कहा जाएगा तो हम इसका साइन चेंज करेंगे, बस यहाँ पर माइनस था प्लस हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में। तो देखिए 1/√7 - 2 मल्टीप्लाई किससे, 1/√7 + 2 से, 1/√7 + 2 और ये 1/√7 + 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या आएगा, 1/√7 + 2 ऐसे आएगा, 1/√7 + 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 1/√7 + 2 आएगा, और ये 1/√7 - 2 1/√7 + 2 1/√7 - 2 1/√7 + 2 कुछ याद आ रहा है, एक से नंबर है, सेम नंबर है, यहाँ भी 1/√7 - 2 और 2, लेकिन क्या यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो क्या करते हैं हम लोग इसमें 1/√7 का होल स्क्वायर माइनस
टू का होल स्क्वायर, अंडर रूट सेवन का स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, ये न्यूमिरेटर ऐसे आएगा अंडर रूट सेवन प्लस टू, अंडर रूट सेवन प्लस टू, और ये अंडर रूट सेवन का स्क्वायर करेंगे क्या बनेगा सेवन, अंडर रूट सेवन का स्क्वायर बनेगा सेवन, क्योंकि अंडर रूट वाले नंबर का जब स्क्वायर करते थे क्या होता, वहां पर ओनली अंडर रूट हटता, ठीक है स्टूडेंट्स। अंडर रूट सेवन का स्क्वायर क्या सेवन, और माइनस टू का स्क्वायर करेंगे फोर, माइनस टू का स्क्वायर करेंगे फोर, तो ये आया अंडर रूट सेवन प्लस टू अपॉन सेवन माइनस फोर थ्री, तो इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर अंडर रूट सेवन प्लस टू अपॉन थ्री। देखिए उसमें क्वेश्चन में कहा गया था हमसे कि डिनोमिनेटर का रैशनलाइज कीजिए, डिनोमिनेटर का रैशनलाइज कीजिए, हमने डिनोमिनेटर का रैशनलाइज किया, यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या था अंडर रूट सेवन माइनस टू, ये इरेशनल नंबर था, आपको इस क्वेश्चन की जो थ्योरी ना वो ये है कि ये देखिए रैशनल नंबर था, तो उसने कहा कि डिनोमिनेटर द डिनोमिनेटर रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज करना है इसका मतलब इसको रैशनल बनाना है, बनाना है, यहाँ पर ये इरेशनल था, तो देखिए यहाँ ये डिनोमिनेटर रैशनल बन गया, बस ये होता है इसका वास्तव में तो। लेकिन उस चीज़ पे हमें नहीं जाना, उसने हमसे कहा था डिनोमिनेटर का रैशनलाइज कीजिए, हमने रैशनलाइज किया, रैशनलाइज में हमने क्या करते हैं डिनोमिनेटर का जब रैशनलाइज करते हैं तो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हम न्यूमिनेटर में भी करते हैं और डिनोमिनेटर में भी करते हैं। अगर न्यूमिनेटर यहाँ पर डिनोमिनेटर सिंगल नंबर होता, प्लस माइनस का साइन कुछ नहीं होता, तो उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में, लेकिन यहाँ पर किसी वजह से साइन है, यहाँ पर देखिए आप सेवन माइनस टू है, तो हम डिनो जब उसका रैशनलाइज करते तो क्या करते हैं उसका साइन चेंज हो जाता है, जैसे यहाँ पर बस इतना काम होता है, इसमें और कुछ नहीं होता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कल से हम अलग टाइप शुरू करेंगे, नया टाइप, इसके बाद कुछ अलग टाइप है कल से, तो इसलिए आज इसको यहीं रोकते, बाकी कल से करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।